नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी से जुड़ी हुई कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि आरएचएस बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म फिलहाल चल रहे हैं और इतने फॉर्म भराए जा चुके हैं, तो आप देख सकते हो, देखकर भी आपकी आंखें फटेगी फटी रह जाएगी। रिकॉर्ड से तोड़ के भी ज़्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन क्या ये बात सत्य है या झूठ है, इसमें क्या सत्यता है, कितनी सत्यता है, कितनी झूठ है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी साथियों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए फटाफट से। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, एक या दो दिन में जल्दी आप सभी के लिए पीसीबी के 15 मॉडल पेपर रिलीज होने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। केवल और केवल हिंदी माध्यम में आपको वो मिलने वाले हैं, अंग्रेजी माध्यम में आपके लिए नहीं मिल पाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन हिंदी में बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार मटेरियल रहने वाला है। अगर आप ये स्टडी मटेरियल्स पढ़कर चले जाते हो तो आपको मैं बता दूं, 70 से 80% क्वेश्चन सीधे के सीधे उन स्टडी मटेरियल्स में से देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी से जुड़ जाइए हमारे साथ और अपने साथियों को भी बता दीजिए। बात करते हैं किसकी, कि टोटल कितने फॉर्म भराए जा चुके हैं, क्या 82,000 से ज़्यादा फॉर्म अब तक भरे जा चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आरएचएस की ऑफिशियल साइट पर अब तक 85,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन मैं 82 तक का ही डेटा आपको बता रहा हूँ। कल तक का डेटा मेरे पास है, कल दिन के 1 बजे तक का डेटा था मेरे पास, जो मैं आपको भी शेयर करने वाला हूँ। 1 जून का भी डेटा मेरे पास है, तब से कब तक कितने फॉर्म भरे सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो 82,000 का जो डेटा आप देख रहे होंगे, यहाँ पर नंबर जो देख रहे हैं, एक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा संख्या में नंबर हैं ये, और इस नंबर के अकॉर्डिंग आपके फॉर्म इतने नहीं भरे हैं, 82,000 के आसपास नहीं भरे, इससे कम ही फॉर्म आपके भरे हैं। लगभग 60,000 प्लस फॉर्म तो भर चुके हैं फिलहाल फिर भी, ठीक है। रीज़न क्या है, किस प्रकार भरे गए, क्या इतना रीज़न है कि इतना ज़्यादा डेटा कैसे निकल कर सामने आया आरएचएस की साइड से, क्या कारण है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन ने कैसे पता लगाया कि आपके इतने फॉर्म भरने में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप एक फॉर्म नंबर आपके देखते हो 23, यहाँ पर देखो आप 23083126, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो इसमें 230 को आप हटा दो, 230 आपके एक कोड है, 223 मतलब 23 का मतलब 23 होता है, 2023 आपका चल रहा है, तो 23 और 0 आपका सिंपल कोड है, ये आगे जाके एक में बदल जाएगा। तो यहाँ पर 2023 के हिसाब से 23 इन्होंने ले लिया, उसको हटा दो, बाकी इसके बाद जो बचता है 83126, ये आपके फॉर्म नंबर है, इतने फॉर्म अब तक आपके भराए जा चुके हैं। लेकिन क्या ये सभी ने पेमेंट कर दिया, नहीं करा, तो मैं बता दूँ, सभी स्टूडेंट्स ने पेमेंट नहीं करा है, केवल ये फॉर्म भरा था मैंने, ये दो फॉर्म मैंने कल भरे थे किस स्टूडेंट्स के, ये तो भरा था, देखो आप 14 तारीख को भरे थे, 1:11 पर, टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से, 1:11 पर मैंने ये फॉर्म भरा था, इसकी कंप्लीट पीडीएफ मेरे पास है। और दूसरा एक और फॉर्म इससे थोड़ी देर पहले भरा था, मतलब 4-5 मिनट पहले एक फॉर्म और भरा था, ये देख सकते हो 1:07 पर ये फॉर्म भरा गया था। तो इन दोनों फॉर्म का डेटा में कितना अंतर आ रखा है, तो उसका था 83,126 फॉरम उसमें थे, और इसमें अगर बात करें तो इसमें थे 83,045, तो इतना अंतर इतनी सी देर में आ चुका है। 81 फॉरम केवल और केवल 4 मिनट में आपके भरे जा चुके थे, लेकिन इनमें से कम केवल और केवल 10% या 20% नहीं पेमेंट करा है, जो ये 81 भरे थे, 81 इतने कम समय में पेमेंट नहीं कर पा रहे, और पेमेंट नहीं करने की वजह से ये फॉर्मों की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आगे अपन देखते हैं और भी प्रूफ है, देखो ये कब का फॉरम है, ये फॉरम है हमारा 8 जून का, ठीक है, कब, सॉरी 8 जून का नहीं, 1 जून का ये फॉरम है, 1 जून को फॉर्म भरा था। इस फॉरम में आप देख सकते हो 16,082, ठीक है, 16,082 फॉरम नंबर आ रखे, ये फॉरम भरा था तब तक 22 फॉरम ही भरे गए थे। और आगे हम बात करें इस चीज़ की, देखो कि क्या चीज़ है जिससे हमें पता लगता है कि हाँ फॉरम फेक तरीके से भी भरे जा रहे हैं, तो आगे मैं बताता हूँ। एक कैंडिडेट ही 5-5 बार फॉरम भर रहा है, ध्यान से देखना, एक कैंडिडेट ही 10-10 5-5 बार फॉर्म भर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे आकाश वर्मा ने फॉरम तो भर दिया, लेकिन इसने पेमेंट नहीं करा, और ये अपने चालान नंबर वगैरह सब कुछ भूल गया, तो इसको दोबारा से पेमेंट करने के लिए दोबारा से फॉरम भरना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हो पाएगा। तो ये आरएचएस की कमी है, आरएचएस की जो डुप्लीसिटी का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करे, बिना डुप्लीसिटी के ही ये काम करती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट नॉट डन, तो इसको दोबारा फॉरम भरेगा, अगर इसके डेटा दोबारा देखोगे
तो आप इस कैंडिडेट का डेटा दोबारा देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे वर्षा कुमारी का आप देखोगे पेमेंट डन है, तो इसका एक ही फॉर्म भरा है, डबल फॉर्म इसके नहीं भरे गए हैं। इसी प्रकार और भी प्रूफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको डाउन कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर है नंद किशोर गौड़ ने फॉर्म तो भर दिया लेकिन इसने पेमेंट डन नहीं करा, तो इसने भी दोबारा फॉर्म भरा होगा, तो काफ़ी संख्या में दो तीन बार इसने ट्राई करा होगा, तो कम से कम 3-4 फॉर्म इसके हो गए होंगे। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन फॉर्म को बार बार भरते हैं, उससे फॉर्मों की संख्या बढ़ती जाती है। ये तो देवराज गुज्जर, इसका तो मैं बता ही चुका हूँ, इसका पेमेंट डन है और PDF में इसकी आपको बता चुका हूँ ऊपर। इसके अलावा इस PDF को देखो अच्छे से, एक भी कैंडिडेट ने, इतने सारे कैंडिडेट आप देख रहे होंगे, कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर आप देखो, आठ कैंडिडेट हैं, आठ कैंडिडेट में से भी एक भी कैंडिडेट ने पेमेंट नहीं कर रखा, सबका पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब इन सबका पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है वो तो चीज़ आपको दिख रही है, लेकिन एक और चीज़ इसमें देखो, यहाँ पर नीरज कुमार सैनी बलवीर सैनी, तो चार फॉर्म तो इसमें नीरज ने यहीं भर दिए भाई, चार फॉर्म तो अब तो भर दिए, और जब पेमेंट करेगा तब 3-4 और भर देगा, तो इस प्रकार 8 फॉर्म तो ये अकेला भर देगा। इस वजह से फॉर्मों की संख्या बढ़ रही है और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अब तक 60,000 फॉर्म तो शायद भरने में आ चुके हैं, लगभग 38,000 फॉर्म पिछले साल भरे थे और 60,000 के आसपास अभी हो चुके हैं। तो दोस्तों जो कंप्लीट डेटा है वो लास्ट में आ पाएगा, जब आपके एग्ज़ाम फॉर्म बंद हो जाएगी उसके बाद ही निकल कर आ पाएगा कि कितने कैंडिडेट ने पेमेंट करा और कितने ने नहीं करा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो मनराज मीणा अमर सिंह, इसने भी दो बार फॉर्म भरा है लेकिन इसका भी पेमेंट नहीं हुआ। और यहाँ पर एक बार महेंद्र कुमार मीणा ने और महेश कुमार बेड़ी ने एक बार फॉर्म भर रखा है लेकिन पेमेंट नहीं कर रखा। तो ये सभी लोगों के चालान नंबर वगैरह सब कुछ जनरेट हो जाते हैं, फॉर्म नंबर जनरेट हो जाते हैं, और जनरेट होने के बाद इनको रीजनरेट तो ये करते नहीं और दोबारा से फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि ये पहले की तो डिटेल खो देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले की डिटेल आपको नहीं खोनी और उसी फॉर्म को वापस पेमेंट सहित भरना। आपका फॉर्म डुप्लीकेट फॉर्म भर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट डुप्लीकेट फॉर्म भर रहे हैं, जो आप सभी के लिए भी थोड़ा नुकसानदायक है और यूनिवर्सिटी के लिए भी नुकसानदायक है, उससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा फॉर्म की संख्या देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखो पेमेंट सभी का 9-10 है। इसके अलावा अगर और भी PDF है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक PDF ये देखो, इसमें है दीपक प्रजापत, संदीप कुमार नायक, इनका भी क्या है पेमेंट 9-10 बता रखा है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें, और अपना फॉर्म है जो अपने एक बार फॉर्म भरे, बार बार फॉर्म ना भरे, उससे आपका फॉर्म रद्द भी हो सकता है। अब चलिए अपन मैं RHS की साइड पर आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो किस प्रकार आप अपना फॉर्म निकाल सकते हो, वापस उसी फॉर्म को किस प्रकार पेमेंट कर पाओगे, तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। RHS की साइड पर अगर आप आते हो, यहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शन पर आप जाओगे सही ऑफिसली, सीधी सी बात है। वहाँ जाने के बाद आप क्या करोगे, देखो BS नर्सिंग ओपन करोगे, BS नर्सिंग के फॉर्म को यहाँ पर इस पर जैसे देखते हो, देखने के बाद BSc नर्सिंग यहाँ पर ऑप्शन आता है भाई, नीचे ऑप्शन दे रखा है बेकायदे RHS ने कि फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर या चालान नंबर, अगर आप भूल गए हो तो इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी बेसिक डिटेल डालो, जैसे कि आपका नेम डाल दो और आपके डेट ऑफ बर्थ डाल दो, फादर्स नेम डाल दो, डेट ऑफ बर्थ डाल दो, प्रोसीड कर दो, और यहाँ पर आपको पेमेंट वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा, दोबारा से आप पेमेंट कर सकते हो। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है कि नहीं अब भूल गए उसको पुरानी चीज़ों को, तो नया फॉर्म लगा देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। अगर आज भी आप सभी के सामने अगर फॉर्म भरना होगा किसी स्टूडेंट्स का फॉर्म भरना होगा, तो मैं आपको बता दूंगा अब तक कितना रिकॉर्ड हो चुका है। मैं टेलीग्राम पर आपको रिकॉर्ड बताता रहूंगा। अब तक टोटल कल 1 बजे का रिकॉर्ड था, ये 1:13 तक का, सॉरी 11 मिनट का रिकॉर्ड था, जब तक 83,126 स्टूडेंट्स RHS की साइट पर रजिस्टर्ड कर चुके थे। और ये रजिस्टर्ड में से कितने पेमेंट करते कितने नहीं करते, तो इसमें से आपको मैं बता दूँ, आपको इसको मोटा मोटी 85,000 आप मान लीजिए, ठीक है 85,000 आप मान लीजिए, और इसमें 60% स्टूडेंट्स ही पेमेंट कर पाएंगे। ध्यान रखना 60% ही पेमेंट कर पाएंगे, तो इसका कितना बनेगा आप देख सकते हो, लगभग 51,000 के आसपास फॉरम भर पाएंगे। 51,000 से ये 51,000 आपका फॉरम का जो एवरेज रहेगा वो 51,000 से लेकर 60,000 के बीच में रहने वाला है। क्यों, इसका सबसे बड़ा रीज़न इस बार ये रहने वाला है कि प्राइवेट कॉलेज भी एडमिशन के लिए RHS एंट्रेंस एग्जाम का सहारा ले रही है, तो सबसे बड़ा रीज़न ये भी रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपकी तैयारी आपको ज़बरदस्त करनी है और अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, मेन पॉइंट जो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, उसके लिए हमारे मॉडल पेपर आप सभी के लिए बहुत सफिशियंट रहने वाले हैं, वो आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब पहले जैसे आए सबसे पहले बाहर आप ही बनो, क्योंकि हम जब मॉडल पेपर रिलीज करेंगे तो ऑफर रखेंगे, कुछ ऑफर के तहत आपको लगभग 60% छूट आपको देने वाले हैं मॉडल पेपर पर। 60% छूट फर्स्ट टाइम पे, जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट रहेंगे उनको 60% छूट हम देंगे। तो दोस्तों
आप हो सके तो फर्स्ट 100 के अंदर ही आए, अगर फर्स्ट 100 के ऊपर हो जाएगा तो आपको 60% छूट नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर और जुड़ जाइए चैनल पर। क्लासेस रेगुलर हो रही है, फिजिक्स की ऐसी क्लास हो रही है कि इससे आप अगर करते हो तो 100% आपका 30+ स्कोर आप कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।